सबसे ज्यादा रियल रही हूँ शेरनी मेघा। पुष्कर और सई बहुत ज्यादा हमेशा से ही क्लोज थे। यस, उछल कूद करता रहे। विनित, फ्रेंडशिप डे आ रहा है और इस फ्रेंडशिप डे पे आप सई और पुष्कर से मिलने वाली हैं। मिलना पसंद करूंगी ऑब्वियसली। इनफैक्ट मैं एक रख भी रही थी पार्टी की, सब मिले, मैं मिस कर रही हूँ सारे हाउसमेट्स को। और ऑफकोर्स सई और पुष्कर से भी मिलूंगी, वाई नॉट। अब एक हम छोटा सा रैपिड फायर खेलेंगे आपके साथ में। मैं कुछ एनिमल्स के नाम बोलूंगी और आपको उन एनिमल्स के नाम पे जो घर में थे उनके नाम बोलने। कैसे हो सकता है? पॉसिबल है, ज़्यादा नहीं, थोड़े से। शेर, शेर, शेरनी मेघा। ओके, भीगी बिल्ली। भीगी बिल्ली कौन सबसे ज़्यादा भीगी बिल्ली? यार डरता तो कोई भी नहीं था उस घर में, कोई भी नहीं डरता था, सबके सब। स्मिता? नहीं, वो भीगी बिल्ली नहीं कहूँगी मैं उसे, वो चालाक बिल्ली कह सकते हैं। हाँ, और बहुत अच्छा गेम रहा है उसका। और भीगी बिल्ली वो होता है जो डरपोक होता है, और स्मिता कभी भी डरपोक नहीं थी। शी इज़ अ ब्रेव गर्ल, शी इज़ अ फाइटर। तो मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि स्मिता भीगी बिल्ली, नो, नेवर। गिरगिट? गिरगिट पुष्कर। कोयल? जुई, बहुत प्यारा गाती थी वो, उसकी आवाज बहुत प्यारी थी। पोपट? पोपट भूषण। बंदर? बंदर, बंदर कौन था? हाँ, जो गुलाटी मारता रहे और उछल कूद करता रहे। विनित, विनित बोंडे। सांप? सांप, सांप कौन था? साहब एक्चुअली घर वालों ने ही टाइटल दिया था रेशम ताई को। शी इज़ अ ब्यूटिफुल स्नेक एंड अगर वो सुस्त है तो सुस्त है, अगर चिढ़ जाएगी तो डस लेगी, बट इतनी प्यारी थी वो, मतलब बात बात में तो इतना प्यार ही आता था उन पे मुझे, कि वो मुझे कभी वैसी लगी नहीं, ना उन्होंने कभी किसी को डसा। सो शी वॉज अ वंडरफुल पर्सन बट अ ब्यूटिफुल स्नेक। वफादार कबूतर? वफादार कबूतर स्मिता। एक बार उसने रेशम ताई का मैसेज आउ तक पहुंचाया था, जो उपमा वाला जो सीन हुआ था डाइनिंग टेबल पे, कि रेशम ताई ने कहा कि उनको वो अदरक डाला हुआ पसंद नहीं आया। तो इतना वफादार कबूतर के बेचारे ने वो मैसेज भी मैनिपुलेट नहीं किया, वैसे के वैसे पहुंचा दिया था आउ तक। तो ये तो हुआ एनिमल्स का। अब हम कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे और आपको उसका आंसर सिर्फ यस और नो में देना है। ओके ओके, सो क्या आपने जब से एंटर किया था बिग बॉस के घर में, तो आपको तब से पता था कि आप बिग बॉस जीतेंगे? पता था, यस। ओके, मतलब यकीन था कि मैं अगर कोशिश करूंगी तो जीतूंगी, अपने एफर्ट्स पे मुझे पूरा भरोसा था। क्या आप शो में कभी फेक हुई हैं? सबसे ज्यादा रियल रही हूँ, कोई जज्बात मैंने अपने छुपाए नहीं है, गुस्सा भी आया, भड़ास भी आई तो निकाल दी मैंने मुंह पे। क्या रेशम टिपनेस को आप सबसे ज़्यादा हेट करती थी? हेट करती थी शुरू के कुछ दिन यस, लेकिन आफ्टर सेकेंड हाफ ऑफ द शो नो। क्या बिग बॉस आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है? सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है बिग बॉस मेरी लाइफ का, और मेरे करियर की अगर सबसे अच्छी कोई चीज़ हुई है मेरी लाइफ में तो बिग बॉस, यस।